नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। शनिवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि आपको बाधाएं और आपको कष्ट सहना पड़े, जानिए इस वीडियो से। नंबर एक, यदि आप लोहे की वस्तु खरीदे जा रहे हैं तो कोशिश करें उससे बचें। आप लोहे की वस्तु खरीदे ना बल्कि दान कर सकते हैं, ऐसा करने से शनि महादशा आप पर नहीं रहेगी। नंबर दो, यदि आप नमक लेने जा रहे हैं, नमक लेने के लिए ध्यान दीजिए कि आप शनिवार का दिन बिल्कुल भी चॉइस में ना रखें, क्योंकि यदि आप शनिवार के दिन नमक खरीदते हैं तो ऐसा करने से आप बहुत सारी कड़वाहट अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन नमक बिल्कुल ना खरीदें। नंबर तीन, यदि आप कैंची खरीदने जा रहे हैं तो कैंची का भी ध्यान रखें कि शनिवार के दिन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि शनिवार के दिन कैंची खरीदना आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। वह आपके रिश्तों में दरार लेकर आ सकता है, आपके रिश्तों को तोड़ सकता है। तो कोशिश करें कि शनिवार के दिन कैंची ना खरीदें। बात करते हैं काले तिल की। आप सभी जानते हैं कि काले तिल महाशनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि महादशा आपकी ठीक हो जाए, शनि भगवान आपसे खुश रहें, तो उसके लिए आप तिल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से महाशनिदेव खुश रहेंगे। बात करते हैं अब शनिवार को काले जूते खरीदने से बचें, क्योंकि जो भी काले जूते पहनेगा उसके ऊपर शनि भारी हो सकता है और जिस काम के लिए भी वह जा रहा है वह उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है या फिर काम बन भी नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि शनिवार को इन चीज़ों से आप बिल्कुल बचकर रहें, ऐसा करने से बचें ताकि आपका जीवन में सुखमय रहे और माँ शनिदेव की भी दशा आप पर ठीक रहे। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।